यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभे जनन का प्रणाम करी थे। 96 घंटा बाद योगेंद्र विकास शर्मा के शव आज चौथा दिन मिला है। योगेंद्र विकास शर्मा पिपरोहर के निवासी आई 31 वर्षीय वह युवा जो रेलवे के पेपर सतना दे जा रहा काल के गाल में समाएगा नहर में बस डूबे के वजह से वह बस में अभी तक 53 शव जो है बरामद हो चुके हैं। वह 53वां शव जो है अभी विकास शर्मा के रूप में मिला है और HDFC बैंक में वो ज्वाइनिंग करे जा रहे हैं। मतलब यह बेहद दर्दनाक क्षण है। वह परिवार का वह सब मित्र यारन का यह हमारे साथ जो ये भीड़ देखी लागे यह हम कहा कैमरामैन का पूरा दिखा में ये सब जो लोग खड़े हैं ये सब विकास का चाहे वाले हैं। एठे विकास के मनोज पान सेंटर में सीधी माँ कलेक्ट्रेट के लगे शव आवे वाला है। शव के लोग जो उनका चाहे वाले हैं सब अंतिम दर्शन करी और फिर शव उनके पैतृक गाँव पिपरोहर रवाना हो जी। एठे काफ़ी लोग खड़े हैं हमारे साथ। शंकर भैया हैं लगातार जो हैं अपन आशीष विकास का देते रहे हैं। भैया विकास से जुड़ी का याद ही अपना कि कहे कि विकास से जुड़ी यादें बहुत हैं। हमारे बीच में वो रहता था एक, उसको हम लोगों ने जो इसने प्यार दिया है वो आज यादें बन के रह गई, आज अपने बीच में नहीं रहा। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उसके माता पिता को भाई बहन को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि उस दुख को वो सहन कर सके। विकास भैया कैसा लड़का रहे? अच्छा लड़का था विकास, और सब कोई भी कुछ बोलता था सेवा भाव में, वो किसी से ना नहीं करता था। आज वो जो सब खड़े हैं उसके लिए वो उसका प्यार ही है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम सबको बहुत दुख और तकलीफ झेलना पड़ रहा है। 4 दिन से हम लोग किस स्थिति में हैं वो कुछ बयां नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद घटनाक्रम। यहाँ देखी लोग जो हैं चाहे वाले इनके कतार लगी है। देखी हमारे पीछे हुआ मंजर है। विकास न कोनो नेता रहे न कोनो अभिनेता रहे, एक अच्छा इंसान रहा। वह लड़का जो 31 साल के उड़े चाह रहा, वह रेलवे के पेपर दे चाह रहा और अपने माता पिता के सहारा बने चाह रहा, किंतु प्रभु और ईश्वर का कुछ हो मंजूर रहा और हालात यह भा कि काल के गाल में एक सड़क हादसा में नहर में बस गिरी और विकास काल के गाल में समाएगी। 96 घंटा बाद वह शव विकास के मिला है और ऐठे लोग हैं रीवा सतना हर जगह से लोग मिले वाले आए हैं हमारे साथ। भैया का नाम है पुष्पेंद्र पांडे। पुष्पेंद्र जी विकास से जुड़ी का याद? सर विकास पिछले 10 साल से मैं सीधी में था। विकास एक छोटा भाई था मेरा और इतना दिल के करीब था कि मैं खुद को कुछ नहीं कह सकता, उसके सिर्फ यादें बची हैं। भैया ये घटना की जानकारी कैसे हुई आपको? घटना की जानकारी जब टीवी में चल रहा था तो सुबह से ही हम अपडेट ले रहे थे, क्योंकि मैं सीधी से जुड़ा हूँ भले मैं रीवा में रहता हूँ, आज भी मेरा प्राण यहीं बसता है। और अपनी एक मनोज पान में एक इतनी मित्र मंडली है सीधी में, इनके द्वारा पता चला कि उसमें विकास भी है और जैसे ही विकास का पता चला बस वो तौर पर अब विकास इस दुनिया में नहीं है। विकास के घर वालों के लिए विकास के लिए क्या कहेंगे आप? कुछ निकली नहीं राम मुँह से, अगर अब उसके घर वालों को ऐसा वज्रपात हुआ है जो बीवी हैं बच्चे हैं सबके लिए क्या कह सकते हैं। ऊपर वाले सिर्फ एक ही दुआ है कि उसके परिवार को सहन करने की क्षमता दे। विकास से जुड़ी कुछ याद ऐसी जो लोगों के बीच जाए, जो आपके बीच और विकास के बातें रही हो? सिर्फ हमारे बीच तो हम लोग पर्सनली कुछ हुआ नहीं करते, जो होता था सबके साथ होता था, सबके साथ वो रहता था। रीवा से आए हैं विकास के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, तो आपसे कुछ अलग जुड़ाव हो, आपसे विकास का कुछ अलग ऐसी यादें हो बातें हो? विकास का सबसे बड़ी एक खासियत थी वो इतना घुला था, इतना वो था कि कभी किसी चीज़ का बुरा नहीं मानता कोई कहे। एक सबको एक बड़ा भाई जैसे हम लोग इसमें ज़्यादा थे, बड़े भाई की तरह सगे बड़े भाई की तरह वो मानता था, हम लोग भी सगे छोटे भाई की तरह उसको प्यार करते थे। निश्चित तौर पर यह विकास के हम अपना से पहले कहें कि ना नेता रहे ना अभिनेता, एक अच्छा दिल और सच्चा दिल ले के विकास लोगन से मिलत रहे जुलर रहे और वो लोगन के देखत देखत चहेता बन गए। हमारे पास मनोज पान सेंटर के प्रोपराइटर मनोज भैया खड़े हैं। मनोज भैया लगातार जो है विकास के संपर्क में रहें, विकास इनसे संपर्क में रहें। मनोज भैया विकास से जुड़ी का याद? विकास तो भैया मेरे पास सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मेरे पास हर समय रहता था, सबसे ज़्यादा समय मुझे ही दिया करता था। लोगों के पास तो थोड़ा बहुत इधर उधर आता था, वो सबसे ज़्यादा समय मुझे दिया करता था। और शायद मैं ज़्यादा आगे कुछ नहीं कह सकता कि कितना अच्छा था वो।
भैया बेहद अच्छा था। निश्चित बेहद अच्छे रहे, अच्छे दिल के इंसान रहे। भैया यह जानकारी अपना कैसा भय की यह घटना भय विकास अब अपने बीच नहीं आई। सुबह में जब भैया जब हम सुबह आए तो पता चला कि वो निकल चुका है, अचानक ध्यान आया एक बस एक्सीडेंट हो गई है। मेरे रात में ही चर्चा हुई थी विकास जाने वाला है सतना, तो अपने साथियों को दोस्त सबको फ़ोन किया, देखो यार विकास की गाड़ी खड़ी है क्या? कहने हाँ है। फिर इसके बाद हम लोग संपर्क में धीरे धीरे आना चालू हुए और फिर जानकारियाँ लेना चालू कर दिए। अभी तक में क्लियर हो पाया कि विकास हमारे बीच में नहीं है। निश्चित तौर पर एक बेहद दुखद घटनाक्रम है। यह घटनाक्रम विकास के परिवार और कुछ ऐसा याद बताइए जो विकास का अमर कह दें, कहे कि जुड़े रहें अपना पचन के साथ रह रहे हैं। विकास के बारे में जितना भी अच्छा कहेंगे भैया सब कम है। किसी को ये एक विशेष हो तो बताएं आपके लिए। सब कुछ अच्छा था उसका, सुबह से लेकर रात तक अंत तक उसका हर क्षण अच्छा ही अच्छा था हम लोगों के लिए। छोटे भाई की तरह रहता था, बड़ा भाई हर समय मानता था वो। निश्चित तौर पर अब विकास शर्मा के सौ आ चुका है। मनोज भैया अरे सबसे सब जितने थे देखे लाहे लोग उनसे बड़े हृदय के करीब रहें, बहुत जुड़े रहें। या सौ वाहन आ गया है, अंतिम यात्रा अंतिम दर्शन की तरह लोग ऐठे उमड़े हैं और हम दिखावे के प्रयास करब कि ऐठे या अंतिम यात्रा में सौ पहुंचा है अंतिम दर्शन ले चाहते हैं जे लोग। यह भीड़ उमड़ी है, हम कहब कैमरा मैन से कि यह पूरा दिखा में सौ वाहन से या रामपुर नैकिन से यह सौ आ चुका है और लोगन के हुजूम है। विकास एक नेक दिल व्यक्ति और यह देखी यह सौ आ चुका है। अब लोगन के साथ लोग के आंख में सिर्फ आंसू है। यह सब यात्रा देखी लोग जो है लोग जो है इठे अब यह अंतिम यात्रा यह सब जो है आ चुका है। लोग रो रहे हैं, लोग अंतिम दर्शन खीतिर देखी बैठे। यह बेहद भावुक क्षण है जब एक युवा जो सपनन के साथ रहा था किंतु ओकर सपना तब खत्म हो गए, ओकर परिवार के आस खत्म हो गए। हालांकि अपना पंचर का बताए दी उनकर पिता अभी हार्ट के पेशेंट है, हार्ट के ऑपरेशन भा है और यह बेहद बड़ा वज्रघात है जो उनके परिवार का मिला है। 31 वर्षीय योगेंद्र शिवम शर्मा का देखे खीतिर उनकर या देखी लोग युवा ऐठे भारी संख्या में एकत्रित है और लोग व आखिरी झलक पावे चाहल लाग हैं विकास शर्मा के। अपना प्रतिनिधि को बता दी 96 घंटा बाद यह सौ बरामद भा है और रामपुर नैकिन से अब सीधी पहुंचा है जहां लोग यह सौ के साथ जो है उनके पैतृक गांव पिपरोहर जय ही जहां यह सौ के अंतिम संस्कार केंद्र देखिए। यह अब सौ अब यह रवाना हो रहा है। सौ के स्थिति जो है ऐसा ही कि यहां बेहद जो हुजूम है ये सब अब पैतृक गांव जा रहे हैं। अब यह सौ वाहन से औ मित्रन के सब लोग जो है या सौ जो सब वाहन जो है लेके जावा जा लगे। अपन बहुत ख्याल रखब ऐसन एमपी संदेश न्यूज 24 ऐसन युवा का जो हर दिल अजीज रहा, जो सच्चा दिल रहा, हर दिल अजीज रहा उनका सलाम करत है और परिवार का सांत्वना देत है, उनका ढाढ़स पधावे के हर संभव प्रयास करत है कि वो तो नहीं आही किंतु उनसे जुड़े कई एक लोग हैं जो परिवार के वह में शिवम शर्मा बन के सेवा करी। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।